भागलपुर के जगदीशपुर के वादी सैदपुर निवासी विरंजन पर 2 लाख का कर्ज था। कर्ज तोड़ने के लिए विरंजन ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने श्रीनगर गया था, लेकिन आतंकवादियों को ये नागवार गुजरी और उनकी हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर शाम की है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें भागलपुर के जगदीशपुर के वादी सैदपुर गांव के विरंजन पासवान भी शामिल थे। विरंजन श्रीनगर में पानी पूरी बेचने का काम करते थे। देर शाम परिजनों को मिली सूचना के अनुसार आतंकी हमले में विरंजन नहीं रहे। परिजनों में मातम छा गया। जब बिग न्यूज के संवाददाता अश्वनी विरंजन के घर पहुंचे तो परिजनों व आसपास के लोगों ने आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही विरंजन के शव को श्रीनगर से यहां मंगवाने की मांग भी की। परिजनों ने कहा कि 2 लाख का कर्ज है, 4 बेटी है, 2 बेटे हैं, कैसे उनका भरण पोषण होगा। लेकिन विडंबना देखिए, घंटों बीत गए हैं लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी अब तक हाल लेने नहीं पहुंचे हैं। घर का आदमी बाहर कमा रहा हो और फिर घर के लोगों को ये सूचना मिले, परिजनों को ये सूचना मिले कि उनका बाहर में निधन हो गया है या फिर आतंकवादी हमले में उनकी मृत्यु हो गई है, तो इससे बुरा दिन उनके परिवार वालों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब हमारा कोई चोर सारा ना जे सर कमाल के लोले 2 लाख टका कर्जा जे कर्जा हो गया जब बीमारी जे ले हमारा मरी बचलो जे के ले कमाल सर ना रही लावा कहाँ से मैं कर्जा दे मैं सर कहाँ से दे तो कर्जा माँ एक को कट्टा हमारा जगह जमीन कमाई से लेकर चलिए सर बच्चा बुतरुक पढ़ा लिखा चलिए कितने बाल बच्चे छोटो जे 4 लड़की 2 लड़का जे सर सरकार से मांग मुआवजा के लिए सरकार से मांग कर जे हमारा बेटा के नौकरी दे दो सर बेटा बेटी हमारा बढ़िया से जिंदगी आगू करते की कहबे सर कब सूचना मिली कि उनके साथ ऐसा हो गया कैसे सूचना रात ही फोन कर लाली सर कौन फोन किया आप हमारा दियोर रहे छे वही कर लाले फोन गोली मारी दे लजे खत्म हो गए सर इनकी बेटी है इनसे हम बात करेंगे कब सूचना मिली और कैसे सूचना मिली को कल 7 बजे सर कल 7 बजे 7 बजे सूचना मिली। अब क्या मांग करते हैं सरकार से सब आना चाहिए सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को नौकरी चाहिए सर अभी जो वहाँ पर उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम यहाँ करवाना चाह रहे हैं हाँ यहाँ करवाना चाह रहे हैं और क्या मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं सरकार से हाँ सर अब तक कोई आया यहाँ पर देखने के लिए नहीं सिर्फ विधायक आए थे अधिकारी कोई नहीं आया था कब से वो वहाँ रह रहे थे दो साल से बस वही तो एक जरिया था कमाई का दशहरा में आने वाला था दशहरा में आने वाले थे देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि इंतजार रहता है घर वालों को कि उनका आदमी जो है बच्चों को इंतजार रहता है कि उनके पापा जो हैं घर में आ रहे हैं वो मेला घुमाने लेकर जाएंगे टिकट भी बना हुआ है लेकिन इस बीच श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ और उनका निधन हो गया इनका बेटा भी है इनसे बात करेंगे क्या मांग है अब सरकार से मांग है कि मुआवजा भी चाहिए और हम लोग को नौकरी भी वही है कमाने का जरिया था वही कमाते थे और हम लोग का भरण पोषण करते थे हम लोग पढ़ते हैं अभी कौन क्लास में पढ़ इंटर में कितने भाई बहन 4 बहन 2 भाई ये तो बहुत मुश्किल होगा फिर तो आगे हाँ सरकार हमारी मदद करे यही चाहते हैं मदद मांग रहे हैं सरकार से बिल्कुल परिजनों का साफ तौर पर कहना हालांकि परिजन हताश हैं बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है वो उनका साफ कहना है कि सबसे पहले तो उनके जो बॉडी है उनका जो शव है यहाँ पर मंगवाया जाए अंतिम संस्कार उनका यहाँ हो अंतिम दर्शन ये करना चाहते हैं और फिर इनके जो पुत्र हैं उनको नौकरी दे और फिर जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए था केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार इन्हें मुआवजा दे बहरहाल अब देखना यह होगा कि इनको केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार क्या मदद कर पाती है और कब तक इनके घर पर
आला अधिकारी या फिर कोई अधिकारी पहुंच पाते हैं। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, जगदीशपुर।